नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है अपने पास बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं पहले. कॉस टू थीटा अपॉन वन प्लस साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी. ऑप्शन है टेन थीटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा एंड कॉट थीटा. ये हमारे पास में फोर ऑप्शन है, टेन थीटा, टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा, टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा एंड कॉट थीटा. तो वन मेथड तो वही, अगर आप जुगाड़ बैठाना चाहते हो तो थीटा की जगह पर अपने मन से कोई एंगल ले लो और उन एंगल को इनमें पुट करके देखो, जो सेटिस्फाई कर जाए वो आपका आंसर है. तो फर्स्ट मेथड तो ये है. और सेकंड मेथड में आप क्या करो, आप देखो कॉस थीटा अपॉन वन प्लस साइन टू थीटा, इसका मैंने डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं बताया, लेकिन अगर यही साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा हो तो उसको हम सॉल्व कर पाते थे कि वन प्लस कॉस टू थीटा का फार्मूला तुम्हें पता है. तो मैं यू कर देता हूं, इसे चेंज कर देता हूं. कॉस टू थीटा को मैं लिख सकता हूं साइन 90 माइनस टू थीटा अपॉन वन प्लस साइन टू थीटा को आप लिख सकते हो वन प्लस कॉस 90 माइनस टू थीटा. क्यों? क्योंकि वन प्लस कॉस थीटा का आपके पास में फार्मूला है और सिंपल साइन थीटा का भी फार्मूला है. तो आप लिख लो इसे, वन प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, तो पाई बाई फोर माइनस टू थीटा बाई टू मतलब थीटा अपॉन, ऊपर आ गया साइन थीटा को आप लिख सकते हो टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाय टू. तो वन टू से टू कैंसल, इस टू से ये टू कैंसल, ये कॉस थीटा कैंसल. तो आप कैसे बचा गया साइन पाई बाई फोर माइनस थीटा अपॉन कॉस पाई बाई फोर माइनस थीटा, इट विल बी टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा आंसर. ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके जो सोर्सेज है मतलब जो फार्मूले हैं वो कैसे अप्लाई हो सकते हैं. ओके, राइट डाउन. नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन. क्वेश्चन इज वन प्लस साइन टू थीटा अपॉन वन माइनस साइन टू थीटा को प्रूव करना है वन प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर. ठीक है, तो देखो कैसे करोगे. अच्छा, आपके लिए ना बेस्ट तरीका यही है कि आप भी पहले खुद ट्राई किया करो और फिर उसके बाद में दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट किया करो. ठीक है, तो पहले आप ट्राई करो. देखो इसको प्रूफ करने के टू मेथड है. एक तरीका तो यह है कि आप 1 प्लस साइन टू थीटा है अपॉन 1 माइनस साइन टू थीटा है, मेथड और भी कही है, डायरेक्ट मैं साइन टू थीटा का 10 के टर्म में फार्मूला पुट कर दूं तो ये बनेगा 1 प्लस टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 माइनस टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को एलसीएम लो तो ये वैल्यू बन जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस टू टेन थीटा, और अपॉन में ये एलसीएम आएगा, इधर भी ये एलसीएम आएगा, एलसीएम सेम तो वैल्यू रही, एलसीएम कैंसल, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टू टेन थीटा, 1 प्लस टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, और अपॉन वाला 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर बन रहा है, तो सीधा एक साथ ही लिख दो, प्रूव्ड. एक मेथड तो ये है. और एक और मेथड ये है कि आप क्या करो, इसकी जगह पर 1 प्लस साइन टू थीटा को आप लिख दो 1 की जगह पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि साइन टू थीटा का फार्मूला ये सेम स्टेप अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा. अब ये वैल्यू किसकी बन रही है, इट इज
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो सिंगल लगा दूं। लेकिन मेरा जो आंसर है वो पूरा का पूरा टेन की टर्म में आ रहा है, तो टेन में मुझे क्या चाहिए था, होता है साइन अपॉन कॉस। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अंदर की साइड में डिवाइड कर दूं कॉस थीटा से, तो ये क्या बनेगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस वन, इधर भी टेन थीटा माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो वन प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है, और होल स्क्वायर में वन माइनस हो या वन प्लस हो क्या फर्क पड़ता है, टेन थीटा प्लस वन अपॉन वन माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। डिपेंड करता है आपके माइंड में कौन सा फार्मूला जल्दी क्लिक करता है, ठीक है। वैसे मैं अगर होता तो ये सिंपल सी कंडीशन अप्लाई डायरेक्ट कर देता, क्योंकि इससे मुझे सीधा ही पता है टेन की टर्म में आंसर निकालना है। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर है, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 साइन a by 2 एंड साइन 5a by 2, ये आपको फाइंड करना है 16 साइन a by 2 इंटू साइन 5a by 2 क्या होगा। ओके, फिनिश इट। सॉरी, यहां पर मैंने थीटा लिखा है तो मैं इधर भी थीटा ही लिख देता हूं, ठीक है, कर दो। आपके पास में क्वेश्चन है 16, जैसे भी आपको मिले साइन ए साइन बी की फॉर्म, तो आप क्या करो, इसको यू लिख दो 16 इंटू टू साइन थीटा बाई टू साइन फाइव थीटा बाई टू, टू साइन ए साइन बी, इट इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी, सॉरी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये हो गया 16 इंटू कॉस थीटा माइनस फाइव थीटा, फोर थीटा अपॉन टू कॉस टू थीटा, भले ही माइनस का हो, कॉस के अंदर नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाता है, कॉस थीटा बाई टू प्लस फाइव थीटा बाई टू, इट विल बी कॉस थ्री थीटा। अब देखो कॉस टू थीटा का आपको कॉस की टर्म में फार्मूला पता है, कॉस टू थीटा होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एंड कॉस थ्री थीटा होता है फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। अब करना कुछ नहीं है, कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, जस्ट कॉस थीटा की वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर भी रख लो आप भी, टू कॉस स्क्वायर थीटा थ्री बाई फोर का स्क्वायर नाइन अपॉन सिक्सटीन माइनस वन माइनस फोर इंटू कॉस क्यूब थीटा, थ्री बाई फोर का क्यूब थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन अपॉन फोर का क्यूब सिक्सटी फोर माइनस इंटू माइनस प्लस थ्री इंटू थ्री अपॉन फोर। तो देखो फोर से सिक्सटी फोर कैंसल हो गया सिक्सटीन बारी, तो वैल्यू क्या बनी, नाइन टू से एटीन बाई सिक्सटीन। मैं इसको जानबूझ करके नहीं चेंज कर रहा, क्योंकि अपॉन में सिक्सटीन तो आएगा ही आएगा, और नहीं तो कर लो नाइन टू जा एटीन अपॉन सिक्सटीन, एटीन अपॉन सिक्सटीन, और बाहर सिक्सटीन मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर माइनस वन प्लस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी सेवन अपॉन सिक्सटीन, थ्री थ्री जा नाइन अपॉन फोर प्लस नाइन अपॉन फोर। जैसे ही आपने सिक्सटीन को सबसे मल्टीप्लाई किया, यहां पर सिक्सटीन कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू रह गई एटीन, इधर आ गया 16, इधर 16 कैंसिल हो गया, ऊपर वैल्यू रह गई 27, और यहां पर 16 की मल्टीप्लाई होती है 4 टाइम कैंसिल हो, 4 9 से 36, तो ये वैल्यू आ गई 36 प्लस 18, पॉजिटिव को ऐड कर दो और नेगेटिव को सब्ट्रैक्ट कर दो, 16 और 27, 36 में से 18 माइनस किए आई थिंक। अच्छा, मैंने यहां पर एक मिस्टेक कर दी है, देखो मैंने यहां पर 16 को कर दिया ना, तो इससे मुझे लिखना था 8 इंटू 2,
तो बाहर 8 रहेगा, इसलिए अपनी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है। 8 रहेगा तो इधर आप 8 लोगे, और जैसे आप 8 को मल्टीप्लाई करोगे इन सब के अपॉन में, सीधा ही कर दो ना, अपॉन में 2 रखना है। तो जैसे आप सॉल्व करोगे 36 प्लस 18 माइनस 16 माइनस 27 इट विल बी 11 अपॉन 2 आंसर। चेक कर लेना फिर भी, अब भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि बीच में एक बारी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो 16 को मैंने लिखा था 8 into 2। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास में 3/5 है एंड थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, थीटा लाइज इन 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच। ठीक है, देन फाइंड नंबर 1 साइन 2 थीटा, नंबर 2 कॉस 2 थीटा, नंबर 3 टेन 2 थीटा, नंबर 4 साइन 4 थीटा और नंबर 5 कॉस 4 थीटा। ठीक है, आपको बस इतने निकालनी है वैल्यू, और ये मुश्किल नहीं है अगर फार्मूले याद है तो। ठीक है, करो तो देखो, अब इसको करते हैं। देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको दी हुई है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होंगे, तो कॉस थीटा कितना आएगा 4/5 एंड टेन थीटा क्या आएगा इट विल बी 3/4। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। अब मेरा पहला टारगेट साइन 2 थीटा, इट कैन बी रिटन एज 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 इंटू 3/5 इंटू 4/5 जस्ट वैल्यू रखी तो 24/25। ऐसे ही नंबर 2 कॉस 2 थीटा, अब फार्मूले बहुत सारे आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो क्योंकि आपको तीनों वैल्यू मिली हुई है, पर इसके लिए बेटर रहता मैं लिख देता 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि एक ही यूज हुआ कॉस, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इज 4/5, 4/5 का स्क्वायर 2 इंटू 16/25 माइनस 1, तो इट विल बी 16 2 32, 25 को एलसीएम लेते ही 7/25 कॉस 2 थीटा आ गया। नाउ टेन 2 थीटा, टेन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू 10 थीटा 3/4 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 9/16। एलसीएम लो, सॉल्व करो, ये हो गया 6/4 अपॉन 16 माइनस 9 7/16। अब कैलकुलेट करना है, 4 से 16 कैंसिल हुआ 8 टाइम, 8 ऊपर चला गया, सॉरी 4 टाइम, 4 6 24/7। ठीक है, तो आपको बस थोड़ा सा इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि वैल्यू कैसे निकालनी है। नेक्स्ट इज साइन 4 थीटा, तरीके कई हैं। फोर्थ साइन 4 थीटा, एक तरीका तो ये कहता है कि साइन 4 थीटा का फार्मूला 10 की टर्म में लिख दो, 10 2 थीटा की टर्म में, वो क्या होता है 2 10 2 थीटा अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 2 थीटा, इससे आंसर निकाल दो। या फिर साइन 4 थीटा को आप लिख दो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा और वैल्यू पुट कर दो। साइन 2 थीटा की वैल्यू है कितनी, कहां गई ये निकालिए ना, 24/25, 2 इंटू 24/25 और कॉस 2 थीटा की 7/25, बस मल्टीप्लाई कर लो आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे ही लास्ट फिफ्थ कॉस 2 थीटा, ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, सॉरी 4 है, 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट तरीका है कि आप क्या करो, फार्मूले याद है तो कोई भी अप्लाई करके निकाल सकते हो। बस मैं 10 वाला यहां पर प्रेफर क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि इसमें अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आता है, तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि अपॉन में एलसीएम लेना होगा, और इसमें क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वाला फार्मूला लगा दिया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। बट अगर
अगर आपको ये दोनों वैल्यू नहीं दी हुई हो, सिर्फ टेन दिया हो, तो यही फार्मूला अप्लाई करना, टाइम बचेगा, नहीं तो पहले साइन और कॉस निकालो। तो इससे बेटर है कि आप भाई ये फार्मूला अप्लाई कर लो। ओके, राइट डाउन, अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट, वन मोर क्वेश्चन। इफ टेन थीटा इज इक्वल टू 1/7 एंड साइन अल्फा, या इधर अल्फा ले लेते हैं, इधर बीटा ले लेते हैं, साइन अल्फा इक्वल साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√10 और अल्फा और बीटा दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा क्या होगा। ऑप्शन सुन लो, फर्स्ट ऑप्शन इज 45 डिग्री, सेकंड इज 30 डिग्री, थर्ड इज 60 डिग्री एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ठीक है, करो ट्राई। चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास में टेन अल्फा दिया हुआ है 1/7, साइन बीटा दिया है 1/√10, तो अल्फा बीटा की वैल्यू की हमें बात करनी है। तो अब क्या करो, अल्फा प्लस 2 बीटा निकालना है। तो सबसे पहली चीज तो टेन, हमें बेस्ट तरीका है आप टेन अल्फा प्लस 2 बीटा निकालो। रीजन दे रहा हूं उसका फायदा क्या होगा। देखो अगर आप टेन थीटा का फार्मूला लगाते हो ना, तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन अल्फा प्लस बीटा होता है, टेन अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा 10 बीटा, तो पूरे में 10 ही यूज आता है। लेकिन अगर आपने साइन अल्फा प्लस 2 बीटा निकाला तो एक बार आएगा साइन अल्फा कॉस 2 बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन 2 बीटा, तो साइन और कॉस दोनों निकालने पड़ेंगे दोनों के। तो बेटर देखो, टेन अल्फा हमें मिल चुका है, साइन बीटा हमारे पास है, इससे मैं देखो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस, तो बेस निकाल लो यहां से, टेन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट इट विल बी 3, तो 10 बीटा क्या आया मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/3। अब मुझे चाहिए 10 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इट विल बी 10 अल्फा प्लस 10 2 बीटा अपॉन 1 - 10 अल्फा 10 2 बीटा, यही फार्मूला लगेगा। लेकिन 10 बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब थोड़ा सा समझना, तो 10 बीटा को आपसे 10 2 बीटा निकालो, 10 2 बीटा होता है 2 10 बीटा अपॉन 1 - 10 स्क्वायर बीटा, 2 10 बीटा 2 × 1/3 अपॉन 1 - 1/3 का स्क्वायर 1/9। आप सॉल्व करो तो वैल्यू आ जाएगी अपने इसमें कैलकुलेशन करने के बाद, इट विल बी 3/4। यस, अच्छा ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो डिपेंड करता है 2 बीटा कहां पर है। तो देखो अगर बीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो 2 बीटा की वैल्यू 0 और 180 डिग्री के बीच हो जाएगी, और 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू लेता है। तो यहां पर पॉजिटिव आ रही है, तो टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, इसमें कोई गलती नहीं है, टेन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है। तो आपके पास नाउ टेन अल्फा प्लस 2 बीटा, जस्ट वैल्यू पुट करनी है, 1/7 प्लस 10 2 बीटा 3/4 अपॉन 1 - 1/7 × 3/4। अब सॉल्व कर लो इसे, 10 अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। आप एलसीएम लो, 7 और 4 का 28 ऊपर आया, 4 प्लस 28 एलसीएम डायरेक्ट अपॉन में भी 28 ही आएगा, तो इधर आ गया 4 प्लस 7 थे 21 25, नीचे 7 और 4 का एलसीएम 28 28 माइनस 3, इधर भी 25, कैंसल आउट इट इज 1। तो 10 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 1 है, देन श्योर है इन ऑप्शंस के हिसाब से अल्फा प्लस 2 बीटा विल बी
45 डिग्री, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको कंडीशंस का जरूर ध्यान रखना है कि वैल्यू कहां से लेकर कहां तक जाएगी, और मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं वैल्यू कैसे निकाल रहा हूं मैं। देखो टेन बीटा मेरे पास में, ये टेन टू बीटा मेरे पास में पॉजिटिव आया, इसका मतलब श्योर हो गया कि टू बीटा की जो वैल्यू थी, मैंने अभी भी बोला था बीटा की वैल्यू जीरो से 90 डिग्री के बीच जा रही है, तो टू बीटा की वैल्यू जीरो से 180 के बीच जाएगी। लेकिन टेन टू बीटा भी पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब टू बीटा की जो वैल्यू है वो भी जीरो डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच ही रही। और अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा कहां है, ये रहा, अल्फा की वैल्यू भी 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच आ रही है। तो जब आप दोनों को ऐड करते हो तो अल्फा प्लस टू बीटा 0 प्लस 0 0 एंड 90 प्लस 90 180 डिग्री के बीच होगा। लेकिन जब हमने वैल्यू निकाली तो 1 आ गया, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर टेन थीटा पॉजिटिव तभी होता है जब अल्फा प्लस टू बीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि सेकंड में होता तो अगर ये माइनस वन आता ना, मान लो इधर माइनस वन आ जाता तो मैं कहता कि यार नन ऑफ दीज आंसर होगा। और मान लो ये एंगल अल्फा प्लस टू बीटा की वैल्यू एएसटीसी थर्ड क्वाड्रेंट में हो रही होती, यहां से ये जीरो से 180 नहीं आकर के 180 से 270 आ रहा होता तो मैं कहता क्वाड्रेंट थर्ड है और ये पॉजिटिव आ रहा है, तो मेरे पास में जो एंगल होता वो हो जाता 180 प्लस 45 मतलब 225 डिग्री। पर ऐसा नहीं हुआ, तब मैं यहां पर लिखता नन ऑफ दीज। मेरी लाइन को दोबारा से समझना कि अगर अल्फा प्लस टू बीटा 0 से 180 के बीच आता और ये वैल्यू 1 की जगह माइनस 1 आती तो मैं कहता 135 डिग्री पर होगा, यानी कि नन ऑफ दीज। पर ऐसा नहीं हुआ, और अल्फा प्लस टू बीटा 0 से 180 के बीच है और पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब श्योर है कि अल्फा प्लस टू बीटा 45 डिग्री ही होगा, पहली चीज। और मान लो अल्फा प्लस टू बीटा 0 से 180 नहीं आकर के 180 डिग्री से 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा होता और मेरा आंसर फिर भी यहां पर 1 बनता तो मैं 45 डिग्री नहीं लिखता इधर, तो मैं कहता नहीं भाई मेरा आंसर नन ऑफ दीज होगा। तो आपको क्वाड्रेंट बड़े इंपॉर्टेंस रखेंगे यहां पर, ठीक है, राइट डाउन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, अभी वाले सारे बढ़िया क्वेश्चन थे। टेन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस टेन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस टेन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 प्लस टेन स्क्वायर 7 पाई बाई 8 की वैल्यू क्या होगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है, इंटीजर सॉल्यूशन निकलेगा इसका, क्या आएगा वो आप कैलकुलेट करते हैं। तो देखो आप खुद कर सकते हो तो खुद रोक करके कर लेना। पहले मैंने सीधा देखा, मुझे जैसे ये मिला एंगल पाई बाई 8, देखो इनमें से मुझे किसी एंगल की वैल्यू नहीं पता है, क्योंकि पाई बाई 8 पाई होता है 180 अपॉन 8, ये हो गया 22.5 डिग्री, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा निकालना। और फिर 3 × 22.5, 4 × 22.5, 5 × 22.5, लेकिन मुझे ये दिखा कि पाई बाई 8 और 7 पाई बाई 8 को अगर मैं ऐड करूं अगर, तो ये बनेगा 8 पाई बाई 8 मतलब पाई, तो मैं इस 7 पाई बाई 8 को लिख सकता हूं 10 स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस, इसको इधर ले आता हूं, पाई माइनस पाई बाई 8, क्योंकि पाई माइनस पाई बाई 8 7 पाई बाई 8 होगा। ऐसे ही इसका और इसका एडिशन भी देखे तो 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 8 5 पाई बाई 8 हो जाएगा पाई माइनस 3 पाई बाई 8, क्योंकि इन दोनों का एडिशन पाई होता है, तो इसको भी आप लिख सकते हो 10 स्क्वायर पाई माइनस 3 पाई बाई 8। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा काम जैसे ही करूंगा मुझे वैल्यू मिल जाएगी 10 स्क्वायर पाई बाई 8, 10 180 माइनस थीटा अगेन 10 थीटा, तो इट विल बी 10 पाई बाई 8, 10 स्क्वायर 3 पाई बाई 8, 10 पाई बाई 8 का स्क्वायर आ रहा है, भले 10 180 माइनस थीटा माइनस 10 थीटा आए लेकिन स्क्वायरिंग हुई भी है, तो ये भी पॉजिटिव ही होगी,
अब देखो टेन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, टेन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, टू टेन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट, इधर टू टेन स्क्वायर पाई बाई एट, तो टू कॉमन लेते हैं, अंदर रह गया टेन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस टेन स्क्वायर थ्री पाई बाई एट। क्वेश्चन थोड़ा छोटा हुआ और करते हैं। अब देखो पाई बाई एट और थ्री पाई बाई एट को अगर आप जोड़ते हो ऐड करते हो तो पाई बाई एट प्लस थ्री पाई बाई एट हो जाएगा फोर पाई बाई एट, मतलब पाई बाई टू, 90 डिग्री। तो आप इसको यूं नहीं लिख सकते, टू टेन स्क्वायर पाई बाई एट प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस पाई बाई एट। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि जैसे ही ये मैं स्टेप लगाऊंगा ये बन जाएगा कॉट स्क्वायर पाई बाई एट, अब देखो पाई बाई एट मतलब 22.5 डिग्री आ गया। मुझे मान लो टेन 22.5 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे ये फार्मूला तो पता है टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, और अगर आप लिखो टेन थीटा टेन थीटा बाई टू, अगर याद हो फार्मूला 1 माइनस कॉस थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैंने फार्मूला लिखाया था। इसको क्यों अप्लाई कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर टेन स्क्वायर पाई बाई एट है, तो पाई बाई एट या यू लिख दो टेन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो फार्मूले में क्या खास बात आ जाएगी? इट विल बी 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और इधर कॉट है तो उल्टा है, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस 2 थीटा। फिर टू मेथड, एक तो ये कॉस 2 थीटा का मतलब 2 इंटू पाई बाई 8, तो ये हो गया पाई बाई 4, इधर भी पाई बाई 4, इधर भी पाई बाई 4, और यहां भी पाई बाई 1 माइनस कॉस पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट 2, तो डायरेक्ट मैं एलसीएम ले रहा हूं और लिख रहा हूं, इट विल बी 1 माइनस 1 बाई रूट 2, रूट 2 का एलसीएम लेते ही 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 प्लस रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, एलसीएम ले लो, बस हो गया क्वेश्चन। रूट टू प्लस वन इंटू रूट टू माइनस वन, रूट टू का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लगा दिया ऊपर रूट टू प्लस वन से। अगर आप चलो एक मिनट लिख देता हूं यार, ताकि आपको समझने में इजी हो, जिसको नहीं आता, रूट टू प्लस वन से रूट टू प्लस वन कैंसिल हुआ, रूट टू माइनस वन रह गया, इसके ऊपर मल्टीप्लाई हुई, देन इट विल बी रूट टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस इससे ये कैंसिल हुआ तो रूट टू प्लस वन का स्क्वायर। अगर बेसिक के लेक्चर से ध्यान हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, इट विल बी 2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन रूट टू प्लस वन, रूट टू माइनस वन इज 1, रूट टू का स्क्वायर 2 एंड 1 3, 2 जा 6, 2 जा 12 इज द राइट आंसर। देखो ये सारा प्रोसेस हम करते कैसे है पहले ये समझना जरूरी है। मैं इन सबको सॉल्व कर करके उस वैल्यू में लेकर के आ गया जो मुझे वैल्यू पता है। अगर आपको 10 22.5 डिग्री की वैल्यू पता हो तो आप वो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो भी टिपिकल हो जाएगा क्योंकि यहां तो पता होगी। अब 3 इंटू फिर 3 वाली भी चलो आप निकालो, 10 3 थीटा के फार्मूले से 5 थीटा 7 थीटा तो फंस जाओगे, तो इसलिए बेटर है कि सबको सॉल्व करके सिंगल टर्म में कन्वर्ट करो। ठीक है, इस क्वेश्चन की दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर दो। चलो वन मोर, एक और अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। 4 कॉस 20 डिग्री माइनस अंडर रूट 3 साइन 20 डिग्री की कॉट 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। 4 कॉस 20 डिग्री माइनस रूट 3 कॉट 20 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन है 0, 1 लिख लो एक बारी, ए है 0, बी है 1, सी है 2, डी है नन ऑफ दिस। ये हमारे पास में 4 ऑप्शन है,
खुद ट्राई करना चाहो तो खुद करो और अदरवाइज मैं कर देता हूं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 4 cos 20 डिग्री माइनस रूट 3 cot को आप लिख सकते हो cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आप जैसे ही साइन 20 डिग्री को एलसीएम लेते हो इट विल बिकम 4 cos 20 डिग्री साइन 20 डिग्री माइनस रूट 3 cos 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। अब देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैन बी रिटन एज साइन 2 थीटा अपॉन 2 और वी कैन से 4 को आप लिख दो 2 इंटू 2। अब ये क्या बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा तो ये बन जाएगा 2 साइन 40 डिग्री माइनस रूट 3 कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। आपने जैसे ही अब यहां तक देखा देखो इधर तक सब कुछ समझ में आ रहा था। अब प्रॉब्लम यह है कि यार ये क्या हो गया, अब साइन 40 इधर है कॉस 20 इधर है इधर साइन 20 है। कहीं सोचते सर साइन 40 का फार्मूला लिख दे 2 साइन 20 कॉस 20 तो वापस क्वेश्चन में बैक चले जाओगे। तो आप क्या करो इसको पूरे को ऊपर नीचे या तो इस 2 को कॉमन ले लो और नहीं तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड कर दो। 2 को कॉमन लेते अंदर हो गया साइन 40 डिग्री और इस साइन 20 डिग्री को अपॉन में रहने दो। साइन 40 डिग्री माइनस रूट 3 बाई 2 कॉस 20 डिग्री। अब रूट 3 बाई 2 अब इसको समझना थोड़ा सा, रूट 3 बाई 2 को आप साइन में क्या लिख सकते हो तो इट विल बी साइन 40 डिग्री रूट 3 बाई 2 होता है साइन 60 डिग्री कॉस 20 डिग्री। इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या बना 2 साइन 40 माइनस 2 साइन 60 कॉस 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। 2 साइन ए कॉस बी ये क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी तो ये हो गया 2 साइन 40 डिग्री माइनस साइन ए प्लस बी 60 प्लस 20 साइन 80 डिग्री प्लस साइन ए माइनस बी 60 माइनस 20 साइन 40 बाहर माइनस है तो माइनस साइन लग जाएगा अपॉन साइन 20 डिग्री। तो देखो वैल्यू क्या आ गई साइन 40 साइन 40 ये 2 है ये सिंगल है तो ये बन गया साइन 40 डिग्री माइनस साइन 80 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। साइन सी माइनस साइन डी साइन सी माइनस साइन डी इट इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 40 प्लस 80 बाई 2 40 प्लस 80 इज 120 अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 40 माइनस 80 माइनस 20 सॉरी माइनस 80 अपॉन 2 तो माइनस 20 डिग्री अपॉन में भी है साइन 20 डिग्री। जस्ट वैल्यू तो पुट कर दी आप साइन 20 डिग्री माइनस का अपॉन में साइन 20 डिग्री प्लस का साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस को बाहर ले लो माइनस बाहर लेते ही कॉस 61 बाई 2 इंटू 2 कट गया 1 ये भी क्या हो गया साइन 20 अपॉन साइन 20 डिग्री कैंसल आउट 1 सो आंसर इज माइनस 1 मीन्स नन ऑफ दिस। ओके बहुत सिंपल क्वेश्चन है रिपीट कर देता हूं एक बार दोबारा से समझ लो कि अच्छा क्वेश्चन है ये। कॉट को लिखा हमने कॉस अपॉन साइन साइन 20 को एल से लिया तो 2 साइन 20 कॉस 20 आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा यानी कि साइन 40 डिग्री। अब इधर 40 है इधर 20 है तो ये देखते मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता था तो उसके लिए मैंने क्या किया इसमें 2 को कॉमन ले लिया। जैसे 2 को कॉमन लेता हूं ये बनता है रूट 3 बाई 2 रूट 3 बाई 2 को आप लिख सकते हो साइन की टर्म में साइन 60 डिग्री। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बना 2 साइन 40 इधर आ गया 2 साइन 60 कॉस 20 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला लगा दिया तो साइन 40 डिग्री फिर आ गया 2 साइन 40 माइनस साइन 40 सॉल्व किया साइन 40 माइनस साइन 80 बस डन।